राम राम का। मुझे बेहद खुशी है, जय भीम। मुझे बेहद खुशी है इस बात को लेकर कि भारतीय समाज का ये जो दृश्य आपने बनाया है और ये अहमियत रखता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की ये परंपराएं रही हैं। बहुरंगी समाज राजस्थान में शुरू से रहा है। राजस्थान की पगड़ियां, राजस्थान के रंग, राजस्थान के प्यारे लोग, यहाँ का खाना, यहाँ की कल्चर सबको प्यारी लगती है। और ये समन्वय का कल्चर है, ये संगम है, उसी संगम का दृश्य जो सामाजिक समरसता, जो आदर्श बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, जिसके निर्माण में चौधरी चरण सिंह जी का बड़ा योगदान रहा, उनकी विजन थी, वह संगम आपने यहां खड़ा किया। और आने वाले समय में एक बदलते भारत में जो समाज की बदलती तस्वीर बनेगी, जिसमें नौजवानों की बड़ी भूमिका होगी उस सार्थक परिवर्तन को लाने में, उस सामाजिक क्रांति को एक असलियत में बनाने में, उसमें सामाजिक समरसता ही मूल आधार हो, बराबरी। हमें देश ने संविधान मिला है, हम सबको एक एक वोट मिली है, तो फिर हम बराबर हैं। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। ये तो व्यवस्था का बोझ है कि अभी भी अमीर और गरीब में फर्क है, शहर और गांव में फर्क है, किसानी मजदूरी करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर कोई हीन भावना पैदा होती है, ये उस व्यवस्था की मार हम पे पड़ रही है, जिस व्यवस्था के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी ने बिगुल बजाया, दिन रात एक किया, आपके अंदर यह आत्मविश्वास उन्होंने जगाया कि तुम गांव में पैदा हुए व्यक्ति हो तो तुम्हारे बढ़ते कदम देश के मुख्य धारा में चल सकते हैं, राजनीतिक गलियारों में तुम अपना स्थान बना सकते हैं। वही लड़ाई देश के आजादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को लड़नी है, और हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने किया है। आज राजस्थान के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, और ये वो क्षेत्र है जहां के बच्चे, जहां के नौजवान, जहां का युवा उसी तरह से, उसी अंदाज में, उसी जज्बे के साथ, उसी भावना के साथ देश की रक्षा के लिए खड़ा है और कुर्बानियां देता है। सीकर, झुंझुनू, राजस्थान, ये वो बेल्ट है जहां हर घर में आपको मिलिट्री में, पैरा में बच्चे मिल जाएंगे, हर गांव में आपको शहीद की मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन शहीद की मूर्ति लगने पे कोई परिवार रुकता नहीं, अगली पीढ़ी और तैयार होती, ऐसी प्रबल भावना हमने देखी है क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसी सरकार आ गई जो इस भावना को समझ नहीं पाई, ऐसी सरकार आ गई जिसने पहला वार किया तो इस भावना पे किया। अग्निवीर योजना किसी ने नहीं मांगी, पसंद आ रही है आपको योजना? ये कोई योजना नहीं। कटौती करनी है तो हजार योजना जिन पे कटौती होनी चाहिए। लूट है, भ्रष्टाचार जिन में हो रहा है, सबको पता है, धरातल पे कुछ नहीं है, सरकारी फाइलों के जाल में फंसा रखी है योजनाएं। कटौती करनी है, कैंची चलानी है तो मोदी जी वहां चलाते। लेकिन देश के नौजवानों को यह कहना कि भारतीय सेना में भी स्थायी नौकरी किसी को नहीं मिलेगी, भारतीय सैनिक को पेंशन देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, लानत है ऐसी सरकार। ऐसी सरकारों को सत्ता से बाहर करना होगा, ऐसे लोगों को ठोकर मार के सत्ता से बाहर करना होगा। ये धकेलने का काम मैं और आप, चंद्रशेखर आजाद, लोकदल और आजाद समाज पार्टी और हमारे यूपी में सहयोगी दल हैं, हम लोग सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि हम लोग एकता बनाकर आपके लिए, और हमारी जो ताकत बनेगी, मेरा वादा है नौजवानों को। एक बड़ा सीन बना था कि जब एक कागज की तरह एक फाड़ दिया गया था, वो तो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी,
लेकिन मैं वादा कर रहा हूं कि हमारी सत्ता में इतनी भी अगर हैसियत होगी और ताकत होगी 2024 में आप बनाओगे तो पहला काम करेंगे कि अग्निवीर योजना को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे। और जो आज अग्निवीर बन गए चिंता मत करना, आज तुम पे कब चिंता हो रही है, कब गाज गिरेगी, हम में से कौन रखे जाएंगे, किनको कहा जाएगा लौट जाओ तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। जो जो अग्निवीर बन जाएंगे अब से लेकर 24 तक उनकी भी नौकरी पक्की करेंगे। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, 3 बात रखूंगा बस। पहली बात तो किसानों से जुड़ी हुई है, आज किसान की माली हालत अच्छी नहीं है और खेती भी महंगी होती जा रही है और पूंजी भी आप किस तरह जोड़ के लगाते हो ये भी आप जानते हो। एक वो दौर भी आपने देखा जब चौधरी अजीत सिंह जी को आपने ताकत दी थी और देश के पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने सवाल किया था कि एक तरफ बड़े शहरों में अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो 6-8% पे उसको लोन मिल जाता है, लेकिन ट्रैक्टर का लोन 13-14% पे उस समय मिलता था, तो ये कैसी व्यवस्था है। खैर उसके बाद कुछ कदम लिए गए, केसीसी की व्यवस्था है, आज कहने को किसानों को बैंक और नबार्ड के माध्यम से संस्थागत तरीके से जो कर्जा जो पैसा जो पूंजी जोड़ना चाहता है उसे दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग कभी हिसाब नहीं लगाते, पिछले 6 वर्षों में 11 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा ये देश का बड़े लोगों का माफ किया गया, बट्टे खाते में डाल दिया। सरकार से कहो भाई इनका पैसा इनका लोन क्यों माफ किया, कह रहे माफ नहीं किया तो बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में डाल दिया कितना मिलेगा, उसमें से कितना वसूल पाओगे, कितना वापस लौटेगा। ये देश के 50 ऐसे लोग हैं, कितने नाम हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बहुत से तो उसमें गुजराती होंगे, आप आकलन कीजिएगा 50 लोग कितना पैसा खा गए, घटक गए, हजम कर गए, 92,500 करोड़ रुपए। ये बैंक के द्वारा किया गया का कृत है, लेकिन वो पैसे वो संसाधन उनपे हक आपका बनता है, ये आपके जेब से लूटा गया पैसा है। कितना आसान है, ये बड़े लोग पैसा लेते हैं, कहते हैं प्रोजेक्ट फेल हो गया, अपने कंपनी के खाते से पैसा निकाल लेते हैं, अच्छी लाइफ देश के बाहर अपने परिवारजनों के लिए बना लेते हैं और दिवालिया घोषित कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लौटा सकता, दिवालिया घोषित हो गया। और उनके लिए विधिवत केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, ये केंद्र की सरकार लगातार इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए जुट रही है, आपके लिए काम नहीं कर रही। किसानों से बनी सरकार है लेकिन किसान मजदूर की सरकार नहीं है। और आप ये सोचिए, कभी कभी एक माहौल बनता है, कभी कभी एक मुद्दा बनता है, आप लोग संघर्ष करते हो, आंदोलन करते हो, चुनाव के पहले जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उन पे आप दबाव बनाते हो, कहते हो हमारा कर्जा माफ करो। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान 5,000 रुपए नहीं चुका पाता आत्महत्या कर लेता है, और ये बड़े लोग मौज कर रहे हैं। कभी कभी वो सरकार बदल जाती है, विपक्ष की पार्टी सत्ता में आ जाती है, 1 साल के लिए कह देते कर्जा माफ, उसमें भी किसान का सबका कर्जा माफ नहीं हो पाता। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो समय पे या तो पैसा दे देते हैं उनको लाभ नहीं मिलता, या ये भी होता है कि वो अपना पैसा जमा नहीं करते इस उम्मीद में कि मेरा तो लोन माफ हो गया, और उन्हें बाद में पता लगता है कि उनके खिलाफ वसूली के ऑर्डर आ गए, उनकी कुर्की हो गई और पूरी जलालत और बेइज्जती उन लोगों को सहनी पड़ती। मेरा प्रस्ताव ये है, और याद करना चौधरी चरण सिंह जी ने नबार्ड की घोषणा बनाया था आपके लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन चौधरी चरण सिंह जी ने आपके लिए किया था, उन्होंने वो संस्थाएं बनाई कि मेरे जाने के बाद ये देश के गांव का गरीब का लाभ उनको मिल पाए इन संस्थाओं के माध्यम से। मेरा प्रस्ताव है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर बड़े लोगों का कैसे कर्जा माफ होना है, कैसे उसे स्ट्रेस अकाउंट में, कैसे उस पैसे को बट्टे खाते में डालना है, कैसे उसे राइट ऑफ करना है, वेव करना है, उसको जीरो कर देना है, इसकी प्रक्रिया है, इसके लिए कानून है। उसी तरह से ये देश के कमेरे वर्ग के लिए, देश के बुनकर के लिए,
देश के छोटे मझोले क्षेत्र में खेती कर रहे किसान के लिए भी जो 5,000 रुपए अगर नहीं चुका पा रहा उसके लिए भी विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए, आयोग होना चाहिए कि उनका कर्जा माफ हो। ये नेता लोग उपकार नहीं कर रहे कि हमने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया तुम हमारे बंधुआ मजदूर बन गए, नहीं, ये हक है। सबसे कम एनपीए खेती में है तब भी बैंक कर्जा नहीं देना चाहते किसानों को। तो इस आयोग की भूमिका, इस आयोग की जो पृष्ठभूमि है मैंने आपको समझाई है और उसका मसौदा मैं अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के तैयार करूंगा, सदन में पेश करूंगा। उसकी जानकारी क्योंकि चौधरी साहब की स्मृति में आयोजन हो रहा है किसानों के बीच में रखना चाहता था। दूसरी बात मैं नौजवानों की करूंगा। यहाँ कितने नौजवान हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं? हाथ खड़े करो। कितनी प्रतिभा है इनमें? चुनाव लड़ना चाहोगे? नहीं लड़ सकते, विधानसभा का तो नहीं लड़ सकते। तुम शादी कर सकते हो। अब बात अलग है कि बड़े लोग आजकल कुंवारे रहते हैं,